के कलाकारों को बॉलीवुड से जोड़ने के लिए बॉलीवुड के प्रोड्यूसर सुरजीत सी छत्तीसगढ़ी फिल्म सिर्फ तुम बनाएंगे। इस छत्तीसगढ़ी फिल्म में बॉलीवुड के कई बड़े चेहरों के साथ प्रदेश के भी कलाकारों को बतौर अभिनेता लिया जाएगा। यह फिल्म छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली पर आधारित होगी। इस फिल्म में सारे मसाले होंगे जो दर्शकों को टॉकीज में खींच ले जाएंगे। इस फिल्म की लगभग पूरी शूटिंग छत्तीसगढ़ में ही शूट की जाएगी, जिसमें सरगुजा, बस्तर की बोलचाल की भाषाओं को भी समाहित करने की कोशिश फिल्म के प्रोड्यूसर करेंगे। छत्तीसगढ़ी फिल्म सिर्फ तुम अब बॉलीवुड टच पर भी अब यहाँ छत्तीसगढ़ में फिल्म बनने जा रही है। और इस फिल्म में सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड से जुड़े हुए जो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सब और छत्तीसगढ़ को एक अलग ही आयाम देने के लिए जुटे हुए हैं, और बरसों से छत्तीसगढ़ से लगाव भी उनका बहुत ज़्यादा है। प्रोड्यूसर हैं सुरजीत सिंह, और इनका जो प्रोडक्शन हाउस है वो मुंबई में है, और मुंबई की तर्ज पर ही अब यहाँ के जो दर्शक हैं वो पूरी तरह से उसी टच पर मनोरंजन हर चीज़ का उसमें तड़का लगा हुआ दिखेगा। और इसकी शुरुआत मई में होगी, और आज हम पूरे उनके क्रू मेंबर से हम अब चर्चा करेंगे। इनमें प्रोड्यूसर भी हैं चंदानी जी हैं, पुनीत सोनकर हैं, पुनीत सोनकर को यहाँ सभी जानते हैं, और हमारे बीच जो मुंबई से जो आए हैं प्रोड्यूसर हैं सुरजीत सिंह, ये भी छत्तीसगढ़ के सभी लोग इन्हें अब पहचानने लगे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ इनको अब बहुत लगाव होने लगा है। तो सबसे पहले सुरजीत जी ये बताएं कि ये थीम कैसे बनी कि छत्तीसगढ़ी फिल्म सिर्फ तुम। जैसा कि आपने बोला कि यहाँ मैं कई सालों से आ रहा हूँ और एक अपनत्व तो है यहाँ के लोगों का। मैं इसलिए फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, बॉलीवुड में फिल्म यूनियन से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो जैसा कि जहन में आया कि यहाँ की जो फिल्मों को देख के कि कुछ एक यहाँ के परिवेश पर कुछ एक अलग फिल्म बनाई जाए जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर को प्रेजेंट करे। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया, तो फिर पुनीत जी से मेरा डिस्कस हुआ कि एक रोमांटिक लव स्टोरी करनी है। फिर जाके फिर हम लोगों ने फाइनल किया सिर्फ तुम जो है कि करते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म में आपको जो है जो भी हम यूज करें टेक्निकल सब हाई लेवल पर जो बॉलीवुड में फिल्मों में यूज होते हैं जो भी इक्विपमेंट्स वो हम इसमें यूज करें। दूसरा कि इसमें बॉलीवुड के जो फिल्मों के जो बड़े कलाकार हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं सपोर्टिंग रोल में दिखेंगे। ये टोटल एक लव स्टोरी फिल्म है, बाकी फिल्मों में कॉमन मसाले होते हैं कॉमेडी, एक्शन, रोमांस का, वो सारी चीज़ें है ही। साथ में इसमें भाषाई का हमने बहुत स्पेसिफिक ध्यान दिए हैं क्योंकि ये फिल्म का बैकड्रॉप दो अलग अलग संभागों से है, बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग। तो जैसे नाम से सभी जान रहे हैं कि बस्तर संभाग में गोंडी हल्बी का बोलबाला है और बोल चलन है, साथ में सरगुजा संभाग में सरगुजा भाषा का। तो हम ये इसमें दोनों भाषाओं का समप भी देखने को मिलेगा। साथ में इसकी शूटिंग और मेन स्पॉट्स हमारा रायपुर रहेगा, तो ये मध्य क्षेत्र है और यहाँ पर प्योरली छत्तीसगढ़ी भाषा है, तो ये छत्तीसगढ़ को भी इंडिकेट करेगा। बॉलीवुड और बॉलीवुड मिलकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े बड़े कलाकार भी हैं हमारे साथ, और हॉलीवुड के भी कलाकारों को मौका दिया गया है। एक लव स्टोरी है ये जो कि बहुत ही अच्छी बनने की जा रही है। तो इस तरह से सिर्फ तुम अब मई में लॉन्च होने जाएगा, और इसके बाद ये लोगों दर्शकों के बीच लगभग कुछ महीनों के अंतराल में ही अपने लोग यहाँ के जो लोग हैं खासकर जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उन्हें देखने मिलेगा, और एक बॉलीवुड टच लिया हुआ फिल्म सिर्फ तुम। तो देश टीवी के लिए कैमरा पर्सन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।